लोग को बुला दीजिए, इसमें इस तार लगा के सही हो जाएगा। मतलब टारगेट जिसको लेके मैं चला था उसमें, लेकिन वह बिल्ली खेल में जो है चल रहा था, पुलिस वाले भी खड़े हो जाएंगे, पता चलेगा मैं हूँ कि ये आप उस साइड वाले को लगना था। इधर पीछे कौन है? अरे हमारे वहाँ बरकटा के दो है, बरकटा कहाँ का है? बासो पट्टी के देखिए, आज हमारी ज्वाइंट टीम का चेकिंग अभियान चल रहा था रात को भी, तो रेलवे स्टेशन के पास एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं एक सफारी गाड़ी से कुछ संदिग्ध हैं। उस समय हमारी सूजी स्वाट टीम और थाना कोतवाली की टीम ने जो है रेलवे स्टेशन पर इनको चेक किया, तो उसमें से चार व्यक्ति मिले। एक उसमें सनी सिंह और दूसरा है इसमें शशिकांत कुमार राम। एक तो इसमें सनी सिंह जो है जिला सिवान बिहार का है, और दूसरा ये शशिकांत जो है वो छपिया शाहपुर जनपद गोरखपुर का है। तीसरा जो है रविंद्र कुमार राय, ये बनकटा बासो पट्टी देवरिया का रहने वाला है। और चौथा बलवंत सिंह जो है वो भी बासो पट्टी थाना बनकटा जनपद देवरिया का रहने वाला है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से फर्जी मतलब नोट जिनका कुल 15,18,000 रुपए, जिसमें से 4,58,000 रुपए नकली नोट जो भारतीय रिजर्व बैंक के हैं, और 10,60,000 रुपए भारतीय बच्चों के बैंक का है, जिसको ये लोग क्या करते थे कि गड्डी एक बना करके और नीचे ऊपर वो लगा देते थे ये भारतीय रिजर्व बैंक वाला, और उसके बाद दुगना करने के नाम पर कि किसी को आप 1,00,000 दीजिए हम आपको 2,00,000 देंगे। तो यदि कोई इनके झांसे में आता था तो उसको एक ये खट से 1,00,000 रुपया लेकर 2,00,000 रुपया पकड़ा करके बहुत तेज़ी से निकल जाते थे। इसकी सूचना पहले भी इससे बात की गई तो इनका अपराध इन्होंने गोरखपुर बलिया इसके अलावा बिहार सिवान कई जनपदों में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर प्रांतीय गिरोह है, और इसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई, साथ में एक चोरी की सफारी कार भी है, गाड़ी है वो बरामद की है इनके पास से। सर यहाँ पे ये किसको देने आ रहे हैं? ये किसको ये देने किसी को नहीं जा रहे थे, ये शिकार की तलाश में रहते हैं, बातचीत करते हैं, जो बातों में फंस जाता है उसको, चूँकि रात में हत्थे चढ़ गए हमारे और एक अच्छा काम हो गया हमारी टीम का हमारे जनपद का। और ये उत्तर प्रदेश पहली बरामदगी इस तरह की या बरामदगी नहीं, इस तरीके की बरामदगी और भी जिलों में हुई होगी, बहुत इधर में नहीं हो। कितने लोग पकड़े गए? इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हमने किया है। और पुलिस टीम को कुछ आप? पुलिस टीम को मेरी तरफ से 15,000 और डीआईजी साहब की तरफ से 25,000 का इनाम इस पर जो है दिया जाएगा। मेरी बात हुई है रियाजी साहब से, उनको मैंने बताया है।